मजेदार सा दाल गोश, आटा भी गूंद दिया है। और अच्छा, जो घर की लेडीज होती है ना, हाउसवाइफ्स होती है, कोम यहाँ पर सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं नाश्ता बना रही हूँ, पराठे बना रही हूँ यहाँ पर मैं, और मैक्रोनी गर्म हो रही है एक साइड पे, एक तरफ चाय बन रही है। जल्दी जल्दी इसमें दूध डालती हूँ, और रात को मैंने मैक्रोनी बनाई थी तो वो मैं गर्म कर रही हूँ। आयशा को लंच में ले आने के लिए दूंगी मैक्रोनी और पराठा। सुबह के टाइम में बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है बस, और मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जाता सुबह के वक्त, गला बिल्कुल बैठा हुआ होता है। मैं जल्दी जल्दी बस बच्चों के लंच बनाती हूँ, पराठे बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, एक एक करके सबको रेडी कर रही होती हूँ, हस्बैंड को उठा रही होती हूँ, और सुबह का टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, पता नहीं चलता। बस घर में तिलावत चल रही है और मैं अपना जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। यही वक्त सबसे ज़्यादा फ्रेश फ्रेश फील होता है, अपना अपना वक्त लगता है। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ जब बच्चे और हस्बैंड चले जाते हैं, फिर मैं सुकून से यानी कि अपना टाइम गुजारती हूँ, चाय वगैरह पीती हूँ। यहाँ पे मैं पराठा बना रही हूँ, पराठा मेरा पूरे तवे पे आता है माशाल्लाह, इतना बड़ा पराठा बनाने की मुझे आदत है, छोटे पराठे मुझसे बनते नहीं है, जितना बड़ा तवा है मेरा उतना ही बड़ा पराठा होता है। एक पराठे में 2-3 जो है ना बंदे आराम से खा के पेट भर के ख़त्म कर लेते हैं। और मेरे बच्चे सुबह में या तो अंडा पराठा खाते हैं या फिर चाय पराठा खाते हैं। यहाँ पर आयशा तैयार हो गई हैं और स्कूल जाने के लिए, उनको सर्दी लग रही थी इसलिए उन्होंने अपनी शर्ट ओढ़ ली थी, इनकी वैन भी आ गई थी तकरीबन, हम लोग रेडी हो गए थे, बच्चों को भी रेडी करा दिया था, और फिर ये स्कूल जा रही हैं। ये यहाँ पर सबसे पहले आयशा निकलती हैं स्कूल जाने के लिए, फिर हस्बैंड भी रेडी हो गए थे जाने के लिए, और ये शाम का टाइम, यहाँ पर बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं। पूरा दिन मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, डायरेक्ट शाम में फिर मैंने क्लिप बनाया है। बच्चों को ट्यूशन भिजवा रही हूँ क्योंकि आजकल मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं ज़्यादा चल नहीं सकती, इसलिए बड़े वाले बेटे छोड़कर आ जाते हैं इनको, वरना मेरी रूटीन थी कि मैं इनको खुद स्कूल ले जाना छोड़ना और ट्यूशन छोड़ना ले जाना, मदरसे के लिए मैं इनको छोड़ने जाती थी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे मैं बना रही हूँ दाल गोश बीफ के साथ, और तकरीबन रेडी है मेरा दाल गोश, बहुत ही मज़ेदार सा बना है, गर्मा गर्म देखिए, बस तकरीबन रेडी है मेरा दाल गोश। और मैं इसमें बघार डालूंगी क्योंकि आपको पता है चने की दाल डालो ना तो सारा ऑयल ख़त्म हो जाता है, और बहुत ही मज़ेदार सा रेशा बना है इसमें, मैंने सारी हड्डियां निकाल दी थी तकरीबन, और चने की दाल अलग से बॉईल करके डाल दी थी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं किसी दिन अलग से इसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ पर अलग से बघार रेडी कर रही हूँ मैं, जिसमें मैंने थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, और प्याज तल रही हूँ मैं इसमें, और साबुत लाल मिर्चें डाली हैं, ज़ीरा डाला है। अच्छा, ये लाल इसलिए लग रहा है आपको क्योंकि ये ऑयल मिर्चों वाला है, और इससे जो है ना इसमें कलर अच्छा आएगा सालन में, तो इसलिए रेड ऑयल है, और बहुत ही मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा इसका फ्लेवर आएगा ये बघार डालने से। तो यहाँ पर सालन हो गया है रेडी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा लग रहा है सालन। सालन रेडी हो गया, आटा मैंने गूंद दिया है, अब मैं शावर लेती हूँ और फिर बाकी के काम करती हूँ। बना रही हूँ चाय, और शाम का टाइम हो रहा है, और आज इत्तफाक से हमारी लाइट नहीं गई है, यू नो। मज़ेदार सा दाल गोश, आटा भी गूंद दिया है, और फ्रेश भी हो गई हूँ, शावर भी ले लिया है, काम भी कर लिए, सारे बर्तन भी धो लिए हैं। हाय, कितना सुकून मिलता है जब हमारे घर के सारे काम हो जाते हैं। अब मैं चाय पीऊँगी, अल्लाह करे लाइट ना जाए रूम में। अच्छा, जो घर की लेडीज होती है ना, हाउसवाइफ्स होती हैं, जो जो मेरे से रिलेट करेंगी वो यह मुझे जरूर बताइएगा कि जब तक हमारे घर के काम नहीं हो जाते सारे घर के, और हम फारिग नहीं हो जाते काम वाम से, हाउस क्लीनिंग से, कुकिंग से, बच्चों की तमाम तर चीजों से, तब तक हमें सुकून नहीं मिलता, और जब सारे काम हो जाते हैं तो इतना दिल को सुकून मिलता है ना, कौन कौन रिलेट करेगा मुझसे, जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, मदर हैं, वो सब मुझे बताएं, और मुझे तो बहुत सुकून मिलता है जब मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं। और अगर एक काम भी पेंडिंग होता है ना तो मुझे इतनी बेचैनी, घबराहट, अल्लाह ये भी करना है, अभी ये भी करना है, अभी ये करना है, जब तक हो नहीं जाता ना वो काम, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। और शाम का टाइम ऐसा होता है कि मैं अपने हर काम से फारिग हो जाती हूँ, खाना भी जल्दी बना लेती हूँ, और सफाई वगैरह तो दोपहर में ही हो जाती है, दिन में ही हो जाती है, बर्तन वगैरह सब धो धुला कर, और किचन वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ, खाना बन जाता है, नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ हस्बैंड के आने से पहले, तो मुझे बहुत ही फ्रेश फ्रेश फील होता है और सुकून मिलता है।
जब से तबीयत सही नहीं थी ना, तो कहीं बाहर भी आना जाना नहीं हो रहा था, और घर में पड़े 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 और इंसान ना बीमार बीमार फील करने लग जाता है। मुझे तो एंजाइटी का अटैक आने लग जाते हैं, काफ़ी अरसे से मुझे एंजाइटी प्रॉब्लम है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, और उससे मैं बहुत बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कंट्रोल में तकरीबन मेरे आ गई है। लेकिन अगर कभी ऐसा टाइम हो जाता है कि जैसे अभी मेरा हाल ही में एक्सीडेंट हुआ है और मुझे घर में ज़्यादा बेड रेस्ट है, मैं बताया गया है मुझे, और मैं बेड रेस्ट कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक आ रहे थे, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बस मेरे जहनी तौर पर ना मैं फ़्रेश हो जाऊँ, मैं बाहर जाऊँ, मैं खुली हवा में जाऊँ। लोग कोई जाहिर सी बात है, घर में तो मैं बच्चे जब पढ़ने जा रहे थे तो अकेली थी ना, तो अकेले रह रहे के और शाम में हस्बैंड आते थे तो फिर जाहिर है वो भी थक हार के खाना वाना खा के लेट जाते थे, ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो पाती थी। इसकी वजह से जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था, और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने बहुत कवर कर लिया है इससे, बहुत ज़्यादा मैं बाहर निकल गई हूँ, और आने वाले वक्तों में और भी ज़्यादा बेहतरी की तरफ चली जाऊँगी। सो बस यही लाइफ है वुमेंस की, मॉम एज अ मॉम एज अ हाउस वाइफ, यही हमारी लाइफ है। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, हमें हर चीज़ को सर्वाइव करना पड़ता है, और बेहतरीन इंसान वही है जो मुश्किलों का सामना करे डट कर और घबराए नहीं, और मदद करने वाले तो अल्लाह की ज़ात मौजूद है। अल्लाह से तलबगार हो, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह ताला ही सबका मददगार है, और अल्लाह ने भी ही मेरी मदद की है ताकि मैं इस मुश्किल फेज से बाहर निकल पाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत हद तक रिकवरी हो गई है, और मैं बहुत हद तक इस सारे सर्कमटेंसेस से मैं बाहर आ गई हूँ। इंशाल्लाह अपनी व्लॉगिंग की तरफ और मज़ीद कॉन्सेंट्रेट करूँगी, और आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आई रियली नीड योर सपोर्ट। सो काइंडली आप चैनल पे नए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट भी मुझे दिया करें, जैसे कि अच्छी अच्छी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें, मैं इंशाल्लाह उनका सबका रिप्लाई करूँगी। और मिलते हैं फिर। यहाँ पर मेरी चाय बिल्कुल बन गई है, मैं निकाल के ले आई हूँ, बच्चों को भी चाय दे दी है मैंने, चाय पीती हूँ, इंजॉय करती हूँ। मैं तो बहुत ही बड़ी टी लवर हूँ, मुझे हर वक्त अगर चाय दी जाए तो मैं चाय के लिए कभी भी मना नहीं करती। कौन कौन मेरी जितने भी व्यूवर्स हैं उनमें से कौन कौन टी लवर्स हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मैं बहुत बड़ी टी लवर हूँ, मुझे एनी टाइम चाय बहुत अच्छी लगती है, और आई लव इट।